ऑस्ट्रेलिया ने 6 में जीत हासिल की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिटी है जहां पर आपको T20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के किंग्स मीट के मैदान में खेला गया था। दिस इज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ट्रिविया शो ओनली ऑन स्पोर्ट्स फ्लैशेस। स्पोर्ट्स फ्लैशेस। शिखर धवन ने इस साल T20 फॉर्मेट में अभी तक 648 रन बनाए हैं, जो इस फॉर्मेट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक साल में बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं। धवन ने विराट के साल 2016 में बनाए गए 641 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हर सुबह वही शोरगुल में जिंदगी शुरू करना, कहीं ट्रेन में धक्के तो कहीं जाम में खड़ी गाड़ी, कहीं रिक्शा पे पीछे से पड़ते हॉर्न, अबे रुक जा भाई, और कहीं पैदल चलते हुए पोल्यूशन के कुछ कश। काश इस गर्मा गर्मी में कुछ मौसम चेंज हो जाए। अरे हो गया, क्योंकि दूर ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है क्रिकेटिंग सीजन सीधा आपके पास। 21 नवंबर से 18 जनवरी तक स्पोर्ट्स फ्लैशेस लेके आए हैं 3 T20, 4 टेस्ट मैच और 3 ODI के साथ।
उस मैच में जो उन्होंने किया ना, उसके बाद सब भूल गए कि वो रणजी ट्रॉफी खेलते थे नहीं खेलते थे, पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। और वो पारी भी कुछ इस तरीके की थी जिससे इतना समय था कि आपको टेस्ट मैच क्रिकेट का रिजल्ट निकालने को मिल गया। यही होना चाहिए। जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क, ये तिकड़ी इस वक्त अपना इंजन जो है वो रिफ्यूल कर रही है, आराम कर रही है। टेस्ट क्रिकेट जब का मामला जब आएगा तो अलग चुनौती होगी, अलग तस्वीर होगी, पूरा मामला अलग होगा। ऐसे में रोहित शर्मा की जगह बनती है 11? इम्तिहान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन तीन तीन गेंदबाजों का आपने नाम लिया है पिछले कुछ समय से, अगर आप देखें तो खेल भी नहीं रहे। कमिंस वनडे क्रिकेट से थोड़ा सा दूर रहे इसलिए कि इस सीरीज़ को इतना बड़ा मान रहे थे। हेजलवुड भी आपको खेलते हुए नज़र नहीं आए। स्टार्क पिछले कुछ समय से गेंद से तो बात करते ही हैं लेकिन मुंह खुलता हुआ नज़र आ रहा है उनका भी, वो भी स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट मार रहे हैं। तो वो इंतज़ार तरीके की प्लेइंग 11 ना, फिर टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर आप अगर टेस्ट मैच जीतना चाहते हैं ना तो आपके पास पांच गेंदबाज होने चाहिए। पांच गेंदबाज आप अपनी टीम में रखना चाहते हैं, इसलिए आपका जो विकेट कीपर है वो अच्छी बल्लेबाजी करे, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए आपको नज़र आएगा कि पंत के ऊपर क्यों इतना ज़्यादा विश्वास जताया जा रहा है, कि क्यों इतना ज़्यादा उनमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। वो उस तरीके के प्लेयर हैं, नंबर 6 पे वो गेम बदल सकते हैं। इम्तिहान हर किसी के लिए रहेगा, पर टीम बनाना, आप किस तरीके से टीम बनाते हैं, रोहित उसमें जगह बना पाते हैं कि नहीं, ये मुझे अभी भी लगता है कि एक सवाल ही। और एक चीज़ और है, रोहित जैसे खिलाड़ी को जब आप लेके जाते हैं ना, जिस उम्र में वो हैं, जितनी क्रिकेट वो खेलें, उनको आप बेंच पे बैठाने के लिए नहीं लेके जाते। जी, जो त्रिमूर्ति है जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस और उनके अलावा मिशेल स्टार्क का, लेकिन जहाँ तक आपने 11 की बात की, पांच गेंदबाज खिलाना ज़रूरी, 20 विकेट लेंगे तभी आप टेस्ट मैच जीतेंगे। कहा जा रहा है कि दिस इज इंडियाज बेस्ट एवर चांस टू बीट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया एंड विन अ सीरीज। पिछले दौरे पर जब विराट कोहली के कैप्टनसी करियर की शुरुआत हुई थी, एडिलेड में तकरीबन टेस्ट चेस करते हुए जिता ही चुके थे, अफसोस कि ऐसा हुआ नहीं। लेकिन 11 में जो खिलाड़ी आपको बैलेंस देता है, गेंदबाजी भी करेगा, नंबर 7 पर बल्लेबाजी भी करेगा, ऐसा कौन सा प्लेयर है आपके हिसाब से जो उस तरह का बैलेंस देगा टीम इंडिया को? आप इशारा किस तरफ कर रहे हैं कि जो वो खिलाड़ी है नहीं? जी हाँ, उस ऑलराउंडर की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन कंडीशंस के अंदर ना पांड्या का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके जहाँ पर उनका अच्छा खासा गेंद आता, और फिर एक और चीज़ हो सकती थी, जिस नंबर पर वो बल्लेबाजी करते वहाँ पर वो पंत के साथ भी बल्लेबाजी करते, तो ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो गेम को ले जा सकते हैं। पंत शॉर्टर फॉर्मेट में आप देखें तो ऊपर बल्लेबाजी करते हुए आते हैं, तो वो नया गेंद को इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलक्रिस्ट क्यों इतने ज़्यादा खतरनाक थे? क्योंकि जिस नंबर पे वो बल्लेबाजी करते थे वो सेकंड न्यू बॉल को बहुत तोड़ते थे, लेकिन सेकंड न्यू बॉल तक आपको पहुंचना उस स्थिति में पड़ेगा कि आप उसका इस्तेमाल कर सकें। तो उसके लिए जो हमारे ऊपर के चार बल्लेबाज हैं ना वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनके लिए जो चुनौती है वो तीन गेंदबाजों का आपने जिक्र किया, क्योंकि वो इस सीरीज़ में एक स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं। और जिस तरीके से उनको अगर आप देखें, उनकी महत्ता कितनी बढ़ती जा रही है पिछले 10-12 साल में, अभी आपने किसी फास्ट बॉलर को सुना नहीं होगा कि उसको वाइस कप्तान बनाया जाए ऑस्ट्रेलिया का, या उनको कोर ग्रुप में रखा जाए, ये सब उसमें नज़र आ रहे हैं। जब जब इंडियन क्रिकेट में मुंबई का कोई लड़का जो छोटे कद का भी हो बड़े टूर पर जाए, जब जब ऐसा छोटे कद का मुंबई का बैट्समैन इंडियन क्रिकेट में अपनी शुरुआती कदम रख रहा होता है, तो पेट में गुदगुदी होने लगती है, एक एक्साइटमेंट होती है, तितलियाँ होती है फैंस के मन में, अरे एक और हीरो। गावस्कर साहब के बाद वो 1989 में एक छोटा सा लड़का था सचिन नाम का, पाकिस्तान गया, नाक पर बॉल पड़ी, खून निकला, फिर भी कहा सिद्धू को मैं खेलेगा। पृथ्वी शॉ हालांकि एक न्यू एज इंडियन क्रिकेटर है, इंडिया एक अलग देश है, अलग कॉन्फिडेंस। पृथ्वी शॉ का इंस्टाग्राम अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा किस तरह की पर्सनैलिटी उनकी है। इस वक्त इंडिया ए टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही है, वो न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भी है, लेकिन पृथ्वी शॉ वर्सेज हेजलवुड, कमिंस एंड स्टार्क, हाउ डू यू लुक एट दैट कॉन्टेस्ट? थोड़ी बहुत क्रिकेट की जो मैं समझ रखता हूँ उस लिहाज से मुझे लगता है कि हमें उस वो कैसा भी प्रदर्शन करें लेकिन इस दौरे से हमें उन्हें आंकना नहीं चाहिए। ये एक कठिन दौरा होने वाला है उनके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने एक कद का जिक्र किया, आपने एक उनके खेल बल्लेबाजी करने के अंदाज का जिक्र किया, ही इज़ हेयर टू स्टे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी चाहते हैं कि जितनी बार वो ग्राउंड में उतनी बार आपको उनके बल्ले से कुछ होता हुआ दिखेगा, कुछ होता हुआ नज़र आएगा, तो आप बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। ये हो भी सकता है कि वो इस तरीके का प्रदर्शन करें, इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको 300-350 रन बना के भी दे दें, और ये भी हो सकता है कि पूरी मिला के शायद 100 रन भी ना बनाएं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमें उन्हें आंकना नहीं चाहिए, जितनी उम्र है उनकी बहुत ज़्यादा सीखेंगे, लेकिन क्या है उनके पास ये वो हमें दिखा चुके हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं विजय?
मैं अच्छी खासी उम्र है मेरी, मेरे टाइम पे स्टॉक मार्केट जाते थे लोग, अब जाते हैं लेकिन निराश होकर लौटते हैं। आप करते हैं कि नहीं करते? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे 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 प्लेयरों में इन्वेस्ट करना बहुत पसंद है। मुझे अपने ऊपर विश्वास मुझे तब आता है जब मैं किसी और के ऊपर विश्वास दिखाऊं, तो मुझे बहुत विश्वास है उसमें। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमें उनको सिर्फ इस सीरीज से नहीं आंकना चाहिए। 1980 का एक दशक था, एक कंपनी है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, ब्रांड नेम नहीं ले सकते हम इस वक्त, लेकिन वो एक ऐसा स्टॉक था कि लोग वो शेयर खरीदते और कहते कि अभी इसको नहीं छेड़ेंगे, 20 साल बाद जब बेटे की या बेटी की शादी तब इसकी वैल्यू कुछ और होगी। क्या उसी तरह से हमें पृथ्वी शॉ नाम के इस नए स्टॉक को देखना चाहिए कि अभी इस पौधे को आप सींचो, उसको पानी दो, उसको नर्चर करो, क्योंकि रिजल्ट्स मिलेंगे इवेंचुअली। एक और दिक्कत है कि अब जो आपके ये पौधे हैं ना, ये 20-20 साल पुराने होने वाले हैं नहीं, क्योंकि जितनी क्रिकेट अब हो गई है किसी का उतना लंबा खेलना बहुत मुश्किल है। तभी जब आप आंकड़ों की तरफ नज़र डालते हैं ना, तो ये कहीं से लगता नहीं कि ये आंकड़े अब टूटने वाले हैं। अगर आप गेंदबाजी की तरफ नज़र देखें, मैं मुझे नहीं लगता कि दो गेंदबाज भी मिलकर 800 विकेट ले पाएंगे जिस तरीके से क्रिकेट हो गई है। जितनी क्रिकेट, अगर आप एक अच्छे गेंदबाज हैं या अच्छे बल्लेबाज हैं ना, तो 90% आप तीनों फॉर्मेट खेलते हुए नज़र आएंगे। इसलिए उतना लंबा सफ़र तय करना आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा। आपने सचिन तेंदुलकर के जो जुनूनी फैंस है ना, उनको आपने जगा दिया। आपने कहा कि रिकॉर्ड टूटेंगे, लेकिन बल्लेबाजी में रिकॉर्ड टूटेंगे क्योंकि क्वालिटी ऑफ बॉलिंग क्या आप मानेंगे कि थोड़ी सी नीचे आई है वर्ल्ड ओवर? जो तेंदुलकर ने फेस किया वो कोहली नहीं करे, उसमें कोहली की गलती नहीं है, लेकिन सच्चाई तो ये है। उससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो जो गावस्कर साहब ने फेस किया शायद वो सचिन ने नहीं फेस किया। लेकिन सचिन तेंदुलकर तीन फॉर्मेट खेले, मीडिया के एरा में खेले, जब डिमांड्स उनकी फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, सोशली गावस्कर साहब से कहीं ज्यादा थी। ऑफ कोर्स इट्स अनफेयर टू कंपेयर अक्रॉस एरास। आपने बिल्कुल सही बात की है कि किसी की भी तुलना करना बहुत मुश्किल है। अगर आप थोड़ा और पीछे जाके देखेंगे, जब गावस्कर साहब की आप बात करें, हेलमेट नहीं होता था, पिच कवर नहीं होती थी, 6 बाउंसर आप मार सकते थे, वो सारे रूल छू, नो बॉल का रूल चेंज हुआ, साल में सिर्फ 15 टेस्ट मैच उस जमाने में, 15 टेस्ट मैच, लेकिन उसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट और काउंटी क्रिकेट आप बहुत खेलते थे क्योंकि ये आपका व्यवसाय था, आप प्रोफेशनल थे। सिर्फ आप 15 मैचों के ऊपर नहीं टिके रह सकते थे, तो क्रिकेट उस समय भी होती थी, उतनी डिमांड नहीं थी, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये मानना है कि T20 क्रिकेट क्या है, 20 ओवर का तो खेल है। वन डे क्रिकेट से ज़्यादा 20 ओवर में आपको दम लगाना पड़ता है। इंटेंसिटी जो है ना, वो आपकी वो छोटे फ्रेम के अंदर इतनी ज़्यादा रहती है कि वो आपका एफर्ट लगता है, तो वो वेयर एंड टेयर। और एक और चीज़ है, मैं सिर्फ शारीरिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मानसिक रूप से भी आप कई बार ये कहते हैं कि बस बहुत हो गया। एबी डिविलियर्स देख लीजिए, टॉप पे थे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि शरीर में कहीं इंजरी थी या किसी उसकी वजह से गए होंगे, पर जब भी आप पढ़ेंगे उनके बारे में या कुछ भी कहेंगे तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि मैं इन्जॉय नहीं कर रहा था। इन्जॉय आप शरीर से नहीं, माइंड से करते हैं। आज भी कोई भी टीम हो वर्ल्ड की, कोई भी फॉर्मेट हो, वो किसी भी टीम से किसी भी देश के लिए खेल सकते हैं, लेकिन फिर इतनी ज़्यादा क्रिकेट कई बार आपको थका देती है। 2003 या 4 के करीब जब जॉन राइट का ज़माना था इंडियन क्रिकेट में, उन्होंने मजाक में या शायद सीरियसली सचिन को कहा था कि सचिन 100 हंड्रेड्स, तो सचिन ने शायद हंस के बात